नमस्कार, आप देख रहे हैं SBT न्यूज। पेश है 13 मई शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन मजबूत है। अगले चुनावों में टिकट देने को लेकर कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब एक परिवार से केवल एक ही टिकट मिलेगा। उदयपुर में चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों पर बने पैनल ने ये सिफारिश की है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये भी निर्णय हुआ है कि जिसे भी टिकट दिया जाए उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो। नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। कांग्रेस चिंतन शिविर से ठीक पहले प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार गिराने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। हालांकि यादव ने किसी का नाम ही नहीं लिया। बीकानेर सरकारी गर्ल्स कॉलेज के पूजन के मौके पर यादव ने श्री डूंगरगढ़ के कम्युनिस्ट विधायक गिरधारी महिया की जमकर तारीफ की। जालौर ACB ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस जालौर में जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह और राणा राम ने प्लॉट की रजिस्ट्री करने के एवज में पीड़ित से अपने दलाल हीरालाल के जरिए 1,60,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। आरोपी राणा राम और दलाल हीरालाल ACB कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान टाइगर साइटिंग में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। सफारी के दौरान साइटिंग के लिए बाघ को जिप्सियों से घेरने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल पर्यटक गुरुवार को टाइगर सफारी करने आए थे। जंगल से गुजरते हुए पर्यटकों ने बाघ T120 को देखा। बाघ को नजदीक से देखने की होड़ में जिप्सी से बाघ का रास्ता रोक लिया गया। गाड़ियों की आवाज और लोगों को देख बाघ बचने का प्रयास करने लगा। बीकानेर जिले में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने से मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु सब बेहाल हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही PBM अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में रोगियों की तादाद बढ़ गई है। कई पुराने और ठीक हो चुके मानसिक रोगी भी फिर से उपचार के लिए आ रहे हैं। गर्मी में खाना पीना छोड़ देने, भूख नहीं लगने, शरीर में पानी की कमी होने और असामान्य व्यवहार की शिकायत करने परिजन मरीजों को चिकित्सकों के पास लेकर आ रही हैं। चिकित्सक बताते हैं कि अक्सर जुलाई में इस तरह के रोगी आते हैं, परंतु इस बार मई में मनोरोगी आने लगे हैं। राजस्थान में इस बार मार्च में ही गर्मी ने सितम ढहाना शुरू कर दिया था। कड़कड़ाती धूप और लू के थपेड़े न केवल इंसान बल्कि फसलों पर भी तीखा प्रहार कर रहे हैं। लोगों को बढ़ती गर्मी से निजात दिलाने वाला तरबूज खरबूज भी खुद इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने वाला फल तरबूज लोगों की पहली पसंद होता है, लेकिन इस बार अत्यधिक गर्मी के चलते ये फल खराब हो रहा है। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए प्रदेश के 470 परीक्षा केंद्रों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। दौसा में एक सेंटर पर छात्राओं को अंदर नहीं घुसने दिया तो छात्रा रोने लगी। वे देर से सेंटर पहुंची थी। भर्ती परीक्षा 13 से 16 मई तक 2 पारियों में प्रदेश के 32 जिलों में आयोजित होगी। इसके लिए 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गंगापुर सिटी में राहुल का स्वागत करने के लिए पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मायूस होकर बिना स्वागत के ही वापस लौटना पड़ा। गंगापुर सिटी में राहुल गांधी समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करने के लिए पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मायूस होकर बिना स्वागत के ही लौटना पड़ा। राहुल गांधी को मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन से गंगापुर सिटी होते हुए उदयपुर जाना था, लेकिन वे नहीं आए। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। राठौड़ ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस सभी जगह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिंता हो रही है कि उनको लेकर आलाकमान कोई निर्देश ना दे दें। प्रतापगढ़ तेंदू पत्ता उत्पादन में राज्य में सिरमौर है। गत 2 वर्षों से सरकार को प्रतिवर्ष 13 करोड़ से अधिक का राजस्व तेंदू पत्ता से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए टेंडर 16 करोड़ 22 लाख में हुए। तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है, जिसका सेवन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में
लोग अधिक करते हैं। बीड़ी बनाने के कार्य का अभी तक कहीं मशीनीकरण नहीं हो सका है। ऐसे में इसे तोड़ने के लिए आसपास के श्रमिक आते हैं, वहीं बीड़ी बनाने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बीकानेर में गर्मी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखा दिया है। गुरुवार को जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, वहीं अब शुक्रवार को भी गर्मी से कोई खास राहत नजर नहीं आ रही है। न सिर्फ बीकानेर बल्कि संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में भी तापमान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म बीकानेर संभाग ही रहा, जहां श्रीगंगानगर का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस था तो बीकानेर का 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मई के 13 दिन में ये दूसरा अवसर है जब पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। ताजमहल के तहखाने के 22 कमरों को खोलने की याचिका को भले ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हो, लेकिन मोहब्बत की इस इमारत पर विवाद कम नहीं हो रहे हैं। रोजाना नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी को मुगल वंशज की प्रिंस तूसी ने चैलेंज किया है। राजकुमारी के सभी दावों को तूसी ने सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बताया है। राजकुमारी दिया के ताजमहल का वारिस होने के बयान पर प्रिंस तूसी ने कहा, कोई दस्तावेज दिखा दे तो मैं मान लूंगा। वेडिंग सीजन शुरू होने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत में भी बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 650 रुपये की कमी आई, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में घटकर 61,200 रुपये रह गई है। सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 52,000 रुपये पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 49,900 रुपये पर पहुँच गई है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में राजस्थान में अस्थिर राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी। 2020 में सचिन पायलट की नाराजगी जताने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान इस खींचतान को बिल्कुल भी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये साफ तौर पर तब दिखाई दिया जब रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी दिखाई दिए। केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पायलट और गहलोत की एक साथ मौजूद रहे, इससे एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।